टी20 विश्व कप 2024 में अफगानिस्तान को करारी हार मिली है। उनसे वेस्टइंडीज ने 104 रनों से रौंदा है। बता दें कि अफगानिस्तान का अगला मुकाबला भारत से होगा। भारत के खिलाफ मैच से पहले उनकी बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप हो गई है, इस वजह से अफगानिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि अफगानिस्तान की बॉलिंग काफी अच्छी है, लेकिन बैटिंग के मामले में वह भारत के सामने हमेशा कमजोर पड़ जाता है। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 218 रन बनाए थे, फिर उन्होंने 53 गेंद में 18 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान टीम ने 114 रनों के स्कोर पर ही सिमट गई। इस पारी में इब्राहिम जादरान ने 28 गेंदों में 38 रन बनाए, वहीं अजमतुल्लाह उमरजई ने 23 रनों की पारी खेली। राशिद खान ने 11 गेंदों में 18 रन बनाए। इसके अलावा कोई कुछ खास नहीं कर सका। ओपनर गुरबाज जीरो पर आउट हो गए, नायब 7 रन ही बना सके। अफगानिस्तान के विश्व कप में सुपर 8 मुकाबले की बात करें तो उसका मानना है भारत से होगा। गौरतलब की टीम इंडिया के पास कई घातक और दिग्गज गेंदबाज है, जिससे अफगानिस्तान की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के दमदार प्रदर्शन और कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की धमाकेदार बॉलिंग सभी को आश्चर्यचकित कर देती है। ऐसे में अफगानिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान ने ग्रुप मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। टीम ने कुल 4 मैच खेले, जिसमें 3 मैच में जीत हासिल की और 1 मैच से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में युगांडा को 125 रनों से हराया था, वहीं न्यूजीलैंड को 84 रनों से मार दी थी। इसके बाद पीएनजी को उसने 7 विकेट से रौंदा था, लेकिन अफगानिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत नहीं हासिल कर पाए और उसे हार का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं कि सुपर 8 मुकाबला में भारत के प्रति उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा।